मुजफ्फरपुर जिले के चित्री थाना क्षेत्र के भेमई गांव की दीपिका अपने दो मासूम बच्चों को छोड़कर समुदाय विशेष के प्रेमी के साथ कुवैत फंस गई। इधर डेढ़ महीने बाद अब दीपिका का लगभग 5 मिनट का एक टिकटॉक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में डूंगरपुर की दीपिका खुद को नजीरा बता रही है। वहीं वीडियो में इस्लाम कबूलने का भी जिक्र किया है। दीपिका ने अपने ससुर पर गंभीर आरोप लगाने के साथ ससुराल के लोगों पर टॉर्चर करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पति और उसके परिवार के लोगों को पता होने के बाद भी उसे मदद नहीं करने की बात कही है। तो 10 जुलाई को घर से निकली थी दो बच्चों की मां दीपिका और इसने वहां कुवैत पहुंचकर टिकटॉक का वीडियो बनाया, साथ ही अपने पति अपने ससुराल पर गंभीर आरोप लगाए। डूंगरपुर की दीपिका डूंगरपुर की रहने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं दीपिका नजीरा मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे घर छोड़ने के पीछे ये रीज़न है कि मैं वहाँ पे बहुत परेशान थी और मेरे को बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैंने परेशान होकर घर छोड़ा है। बहुत ही ज़्यादा परेशान थी मैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे मेरे को, मेरे साथ ना जाने क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। 10 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी मैं, इसलिए कि मेरे बच्चे, पर जब आप मेरे से नहीं हुआ बर्दाश्त तो मैंने ये कदम उठाया और मैं यहाँ तक आई हूँ। और यहाँ तक आने के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया है। इसमें किसी तरह की किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है मेरे साथ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ पे। दूसरी बात, मेरा ससुर मेरे साथ गलत हरकतें करता था, वो मेरा मैं क्या ही बताऊँ, क्या कुछ नहीं किया उसने, आधी आधी रात को दरवाजे ठोकना। और इसी खबर पर जयेश हमारे साथ डूंगरपुर से जुड़ गए। जयेश, क्या है ये पूरा मामला?